कोरोना वायरस के संक्रमण से बनी स्थिति में दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी के लिए सरकार सजग हुई है। श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत श्रमिकों के खाते में 1,000 की धनराशि भेज दी गई है। आपको बता दें कानपुर में 5:30 बजे श्रमिकों के खाते में 1,000 रूपये भेजे गए हैं और श्रमायुक्त सुधीर एम बोबड़े के निर्देश पर यह रकम भेजी गई है। प्रेस के माध्यम से सभी ट्रेड यूनियन को, सभी कारखानों को यही अनुरोध है कि, और श्रमिकों को भी यही अनुरोध है आप प्रेस के माध्यम से, कि जो श्रमिक जहां है वहीं रहे, उनको पूरी तरह से सवेतन अवकाश घोषित किया जा रहा है और वो कोविड-19 के संक्रमण से अपने आप को बचाए। ऐसी अनिवार्य सेवाएं वाले कारखाने जो गतिमान रहेंगे उनके श्रमिकों की कोविड-19 से संक्रमण से बचाव के लिए कारखाने, ट्रेड यूनियन और जिला प्रशासन मिलकर काम करेंगे। श्रम विभाग को जिला प्रशासन के माध्यम से वो अपने बैंक खाते के विस्तृत विवरण उपलब्ध करा दे, जिसमें बैंक खाते का नंबर, बैंक का नाम, उसके ब्रांच का नाम, शाखा का नाम, उसका IFSC कोड, ये हमें सब उपलब्ध करा दे। अपना नाम जो बैंक के खाते में सही रूप से अंकित है वो भी हमें उपलब्ध करा दे, ताकि हम आपके खाते में धनराशि हस्तांतरित कर सके।